राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को 1,000 रुपये का पेंशन दिया जा रहा है, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और गरीबी रेखा का निर्धारण भी कर दिया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 से कम और 56,460 रुपये वार्षिक, इसके अलावा शहर क्षेत्र में जिनकी आय इससे कम होगी ऐसे परिवार वृद्ध पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आय प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर में नाम, बैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसके तहत 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस संबंध में गौरव पुन्नी से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी बीएन सिंह ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण योजना जो कि गरीब जनता के लिए चलाई जा रही है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर ऐसे लोग जो कि गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और गरीबी रेखा का निर्धारण भी कर दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 से कम और 56,460 रुपये वार्षिक, नगरीय क्षेत्र में जिनकी आय प्रमाण पत्र इससे कम होगा उनको, वो लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वृद्धा पेंशन के लिए। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? इसके लिए आयु प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड अथवा परिवार रजिस्टर, एकल बैंक खाता, फोटो और ये तीन चार चीज़ें रहती हैं। इसमें 1,000 रुपये मासिक की दर से दिया जाता है, पेमेंट जो होता है वो त्रैमासिक आधार पे होता है, यानी साल में चार बार 3,000 की किस्तें उनके खाते में अंतरित की जाती हैं। आधार कार्ड भी इसका एक महत्वपूर्ण घटक है अभिलेखों का।